किशनगंज में देह व्यापार को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। नगर थाना के खगड़ा रेड लाइट एरिया में रक्षाबंधन से पहले छापेमारी कर प्रशासन ने बड़ी सफलता हासिल की है। देह व्यापार के दलदल में फंसी 9 लड़कियों को पुलिस ने मुक्त कराने में कामयाबी हासिल की है। वहीं छापेमारी के दौरान 2 दलाल सहित 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जबकि बहादुरगंज के प्रेम नगर रेड लाइट एरिया में 4 लड़की और 6 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। SDM शाहनवाज अहमद न्याजी और SDPO अनवर जावेद अंसारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। खगड़ा रेड लाइट एरिया से गिरफ्तार महिला दलाल अंजू देवी और पुरुष दलाल प्रमोद कुमार के खिलाफ नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। उधर जिस्म फरोशी के धंधे से रिहा कराई गई लड़कियों ने जबरदस्ती देह व्यापार करवाने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि जिला मुख्यालय से सटे खगड़ा रेड लाइट एरिया और बहादुरगंज ब्लॉक मुख्यालय से सटे प्रेम नगर में बार बार इस तरह का मामला पेश आता है। यही वजह है कि स्थानीय लोग इसे बंद करवाने की मांग लगातार करते आ रहे हैं। मिल रही थी कि बहादुरगंज थाना अंतर्गत प्रेम नगर में देह व्यापार का बड़ा चल रहा है खेला, तो आज 3:30 बजे हम लोगों ने रेड का प्रोग्राम किया और एक बैग वहाँ पर चारों तरफ से घेर कर रेड किया, जिसमें 5 महिलाएं और 4 पुरुष पकड़े गए और आपत्तिजनक सामान, कंडोम, यूरिन टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट किट और बहुत सारी चीज़ आपत्तिजनक सामान बरामद की गई है। 2 लोग भागने में सफल रहे और जो खासकर संचालक थे वो भागने में सफल रहे और 9 लोगों को हिरासत में लेकर थाना में पूछताछ चल रही है। तो सूचना प्राप्त हो रही है कि खगड़ा रेल लाइट एरिया में बड़े पैमाने में धंधागिरी चल रही है, तो हम लोगों ने कहा था कि मोहर्रम रात एक प्रोग्राम था क्रिएट करेंगे और गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों ने आज छापा दल बनाया गया जो हमारे नेतृत्व में था। इसमें DSP SDPO साहब थे और पुलिस के जवान थे सादे लिबास में और इस पुलिस टीम को अच्छी तरह से रेड किया गया। रेड में 5 जेंट्स मिले हैं, 10 महिलाएं हैं, जिसमें एक महिला धंधेबाज है और एक पुरुष धंधेबाज है। महिला धंधेबाज का नाम अंजू देवी है और प्रमोद कुमार पुरुष धंधेबाज का नाम है। इसके साथ साथ कई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें कंडोम है 200 और बहुत सारे पिल्स भी मिले हैं, दवाइयाँ मिली हैं, वो सारे जब्त की गई। क्योंकि आखिर क्या आप इसके पीछे कुछ रीज़न आप देखिए, हम लोग इसमें 2 तरह का स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं जो सरकार के स्ट्रैटेजी है। एक है रिहैबिलिटेशन के संदर्भ में, इसमें जो महिला लड़कियाँ हैं उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए सरकार की योजना है कि 1.5 लाख रुपया अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। पुरुष को भी कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो प्रावधान है वो हम लोग दे रहे हैं। इसमें एक अनुमंडल स्तर पे मतलब कमेटी है जिसके अध्यक्ष हम ही होते हैं, लेबर सुपरिटेंडेंट है और ये लेबर डिपार्टमेंट की योजना है। इसकी हम लोग 3 माह पे बैठक करते हैं और तत्काल 15,000 रुपये प्रत्येक लड़कियाँ हम देंगे ताकि वो अच्छे से अपने जिंदगी की शुरुआत करें, और ट्रेनिंग की ज़रूरत है अगर जीविकोपार्जन के लिए तो वो भी हम लोग मुहैया कराएँ।